किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन और प्याज काटने की मशीन के बारे में। दोस्तों, जो आप ये मशीन देख पा रहे हो, ये बिना बैटरी वाली मशीन है, जो कि आप किसी अन्य बैटरी से इसको चला सकते हो। इस लहसुन और प्याज काटने की मशीन के बारे में पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे, ये किससे मिलकर बनी है और बैटरी के सर्विस कितने घंटे की रहती हैं, कितने घंटे इसको चार्जर करना पड़ता है, कितने रुपए की आती है, यानी हम इस वीडियो में लहसुन और प्याज काटने की मशीन की संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पास वाले घंटी के निशान पर भी अवश्य बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये लहसुन और प्याज काटने की मशीन है, इसके अंदर बैटरी नहीं लगी हुई है। बैटरी का सिस्टम इसके अंदर अलग से जुगाड़ से किया गया है। किसान भाइयों, जो मैंने पहले आपको वीडियो बताया था, उसमें बैटरी लगी हुई थी, लेकिन अलग मशीन, एक बिना बैटरी वाली भी मशीन आती है, जिसको आप किसी भी अन्य स्प्रे पंप की सहायता से इसको चला सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये मशीन है, ये स्टैंड पर बनी हुई है, और इसके अंदर ये बंद चालू का सिस्टम, इसके अंदर बटन दिया हुआ है, और ये चार्जर का सिस्टम है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें आप बैटरी वाला सिस्टम भी इसके अंदर कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो इसमें जो तार होते हैं, वो बैटरी वाले तार भी इसके साथ में दिए गए हैं। अगर आप बिना बैटरी वाली लेते हो, तो उसको आप बैटरी वाले भी अपने घर पर ही बना सकते हो। और जैसा कि दोस्तों, इसमें लहसुन और प्याज काटने की छुरियाँ इसके ऊपर लगी हुई है, जो कि आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हो, इस प्रकार की छुरी या ब्लेड इसके अंदर लगी हुई हैं। दोस्तों, हमने इससे ये इतना सारा लहसुन की अभी कटाई कर दी है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मशीन है और बहुत ही लंबे समय तक उपयोग करती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, ये बिना बैटरी वाली है तो चलती कैसे है। तो जैसा कि दोस्तों, ये बिना बैटरी है तो इसमें ये वायर लगा हुआ है, ये वायर लगा हुआ है, तो इसमें ट्रिपल मुहे वाली पिन इसके अंदर चली जाती है, तो ये इससे चलने लग जाती है। दोस्तों, मैंने इसका अलग से वीडियो बना रखा था, ये स्प्रे करने की मशीन है, जो कि 4500 रुपये में आती है। ये 300 बीट पाइप भी इसके साथ में आता है, और यह डबल मोटर इसके अंदर लगी हुई है। दोस्तों, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया था, अब मैं इसको चलाने के लिए इसका सहारा ले रहा हूँ। अगर दोस्तों ये इसके अंदर है, और अगर हम ये स्विच चालू करते हैं, तो ये मशीन चल जाती है, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। इस प्रकार हम इसमें लहसुन की कटाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप इसमें 12 आर की बैटरी लगाते हो, तो ये 6 घंटे की सर्विस देती हैं, और अगर आप इसमें 12 वाल्ट और 12 एम्पियर की बैटरी लगाते हो, तो ये 8 से 10 घंटे तक सर्विस देती हैं। और दोस्तों, अगर हम 1 घंटे में इसके एवरेज की बात करें, तो 1 घंटे में ये 80 से 90 क्विंटल 1 घंटे में काट देती है। इसमें दो मजदूर लगते हैं, जो कि इस प्रकार आप हम दिखाएंगे बाद में, जिस प्रकार कटाई कर सकते हैं। और यह मशीन 4 मजदूरों का काम अकेले ही 2 मजदूरों के द्वारा कर लेती हैं। अब अगर इसकी कीमत की बात करें, तो यह मात्र 4000 रुपये की आती हैं। जो बैटरी वाली होती है, वो 4000 की आती है, और विदाउट बैटरी वाली 3200 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाती हैं। दोस्तों, मैं नीमच ज़िले के सिंगोली तहसील में, मेरी कृष्णा खाद बीज भंडार के नाम से दुकान है, और मेरा मोबाइल नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप अगर होम डिलीवरी करवाना चाहते हो, तो हम होम डिलीवरी भी करते हैं, लेकिन आपको पेमेंट फ़ोनपे, गूगल पे या अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना होगा, और हम कुरियर द्वारा भेजेंगे, तो कुरियर का खर्चा आपका रहेगा। अब हम इसमें देख लेते हैं, ये मशीन किस प्रकार काम करती है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, मशीन ने चालू करके हमने आपको बताए हैं, ये 2 मजदूर काम कर रहे हैं, और इस प्रकार आप लहसुन की जड़ें भी इसे साफ कर सकते हो। ऊपर रगड़ने पर जड़ें साफ हो जाती हैं, और फिर लहसुन की कटाई हो जाती है। दोस्तों, आप जिस प्रकार डंठल की लंबाई रखना चाहते हो, उस प्रकार डंठल की लंबाई रख सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार यह मशीन चलती है। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे हाथ में देख पा रहे हो, इस प्रकार ये लहसुन के डंठल को काट देती है, और अगर आप इससे लंबा भी रखना चाहते हो, तो भी यह रख देती हैं। अगर इसके जड़े की बात करते हैं, तो इस प्रकार ये जड़े की सफाई कर देती हैं। इसमें मुच्छे और जड़े पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं, और इतना सारा इस मशीन से कटा हुआ लहसुन है।
तो देखिए दोस्तों, आपने वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी, और दोस्तों कुछ जानकारी बाकी रही हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद। जय जवान।